Delhi Patiala Court has directed the CBI to release documents seized during the raid on Rajendra Kumar's residence. Earlier, a copy of these documents had been handed over to the Delhi government, owing to the directions of the court. Following court's observations, the IT and Food Department files had nothing to do with the Chief Minister's secretary. Deputy Chief Minister Manish Sisodia has asked if the PMO would apologize for its comments. पहला ये कहा है कि ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन है वो एक बहुत जल्दबाजी में की गई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ पहले होनी चाहिए थी अगर आप मानते भी हैं कि कोई प्राइमा फेसी केस था आपकी ओरल इन्फॉर्मेशन थी आपके पास कोई राइटिंग में कंप्लेंट नहीं थी और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बगैर आपने सीधा रजिस्टर केस रजिस्टर कर लिया और एकदम सर्च और सीजर पे चले गए तो वो पूरा का पूरा जो प्रतिक्रिया है उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठाया है जो हम बार बार पहले दिन से बात कर रहे थे कि ये सीबीआई की जो रेड है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये राजेंद्र कुमार के दफ्तर का नाम लेके कायदे में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पर रेड की गई है आज ये साबित हो गया इसको कोर्ट ने भी माना